जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को धोखा दिया हो, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों तक की झूठी कसम खाई हो, जिस व्यक्ति ने आंदोलन के समय जिस पर भी आरोप लगाया उसकी गोद में जाके बैठा हो, उस व्यक्ति के मुंह से ईमानदारी की बात अच्छी नहीं लगती। केजरीवाल ने ईडी के दूसरे बुलावे को भी अभेद बताया है और कहा है कि यह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। केजरी का कहना है कि उसका पूरा जीवन ईमानदारी से बीता है। भारत में हर चोर पुलिस की नोटिस देखकर यही कहकर छूट सकता है कि वो चोर नहीं है, दूसरे पक्ष ने दुश्मनी के आरोप लगाए हैं, इनको पुलिस घिसटते हुए ले जाएगी और ये स्वयं को भगत सिंह का उत्तराधिकारी मनवा कर छोड़ेगा। दिसंबर के अंत तक इनका जेल में होना तय है। देखना यह है कि यह प्रेम से जाते हैं या घसीट कर ले जाया जाता है। इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई दफा वो अदालत से राहत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी विधिक दुश्वारियों पर विराम नहीं लग पा रहा है। इस बीच आज संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। आप नेता को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिल सकेगी, लेकिन अफसोस अदालत ने उन्हें 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आज उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि उनके लिए सलाखों के द्वार खोले जाए या नहीं। ध्यान दे, बीते दिनों इस मामले में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन भेजा था। अब तक उन्हें 2 दफा जांच एजेंसी की ओर से बुलावा भेजा जा चुका है, लेकिन विडंबना देखिए कि उन्होंने एक बार भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की जहमत नहीं उठाई है। पहली दफा उन्होंने चुनाव प्रचार में मशगूल होने की बात कहकर समन को नजरअंदाज कर दिया था, वहीं दूसरी दफा उन्होंने व्हिप सियाना में जाने की बात कही, जिस पर भी बीजेपी ने निशाना साधने से गुरेज नहीं किया। उधर आपका कहना है कि हमारी पार्टी को दिग्भ्रमित करने के मकसद से बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ कर रही है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में आपके 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। फिलहाल ये तीनों ही नेता सलाखों की हवा काट रहे हैं। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि अब अगला नंबर केजरीवाल जी का है, जो कि अब मूर्त रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। सनद रहे कि ईडी की ओर से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक नहीं बल्कि 2 दफा नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।